पत्थर फेंकता बताते हैं कहाँ पे। मुसलमान पहले पत्थर नहीं फेंका था, ये तो सभी लोग देख रहे थे, वीडियो भी वायरल हुआ था, सब लोग देखे थे। तो कहिएगा कि सबके पास मोबाइल चल गया, कम से कम वीडियो बना के सबके भेज दे रहा है। हिंदू ने मारा था या मुसलमान ने मारा था, पहले दिखाएं तो उस पत्थर को। हम हिंदू है, मान लीजिए हम हिंदू है, हम तो हिंदू है यही है, हमारी बात सुनो। तो हमारे माता जी को जो 9 दिन पूजा होता है, मैं महाराज तू मुसलमान देखे खून दोनों को मिला है कि नहीं है। नहीं नहीं देखिए, ये उनसे सरकार नहीं चलेगी, इसलिए उनके आगे पीछे कोई है नहीं। हम लोग महिला है, महिलाएं यहाँ सुरक्षित है। मैं अपनी महिला को बाहर निकाल के तो देखे कि कितनी सुरक्षित है। नमस्कार, इस वक्त मैं समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये कार्यालय है समाजवादी, और अभी अखिलेश यादव यहाँ से निकल कर गए हैं। बहराइच हिंसा को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ पायल जी हैं और महिला भी हैं। आपका क्या नाम है? कालिंदी भारद्वाज। भारद्वाज जी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। देखिए, बहराइच हिंसा में धीरे धीरे अब बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। कल जो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, यानी दैनिक भास्कर पर, कि दो लोग बोल रहे हैं कि मौका मिला होता तो पूरा महाराजगंज हम जला दिए होते। अब आप सोचिए, इस तरीके से साजिश वो धीरे धीरे जो है सामने निकल कर आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो जला देंगे ऐसा तो बोल तो रहे हैं, साजिश लोग कर रहे हैं, तो साजिश उनका काम है ये करना। वो साजिश करेंगे, दंगा कराएंगे और हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाएंगे, उनका वही काम है और कुछ भी नहीं काम है। क्योंकि जनता भी समझती है, हिंदू भाई भी समझते हैं क्या कि हम लोग में बस खाली लड़वाते हैं, काम कोई इनके पास तो है नहीं। जितने नौजवान बच्चे हैं उनके हाथ में 7 लाख का 10 लाख का बताए कट्टा बम पकड़ा दे रहे हैं, जाओ वहाँ दंगा करो, वहाँ गोला फेंको, बम फेंको। हमने मुसलमान पत्थर फेंकता बताते हैं कहाँ पे? मुसलमान पहले पत्थर नहीं फेंका था, ये तो सभी लोग देख रहे थे, वीडियो भी वायरल हुआ था, सब लोग देखे थे। तो कहिएगा कि सबके पास मोबाइल चल गया, कम से कम वीडियो बना के सबके भेज दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब देखिए वहाँ पर जो सच्चाई थी क्या था, उधर विधायक और भाजपा के नेता खुद ही आपस में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मारने की जरूरत क्या थी, गोली काहे मार दिया, जान से काहे मार दिया। आप देखने गए थे? क्यों देखने गए थे? हम तो नहीं देखे थे कौन गोली मारा, हो सकता है भाजपा जी में कौन गोली मारा हो, ये भी तो ऐसा दंगा तो वही पाल रहे हैं सब। आप बदनाम कर रहे हैं, दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। आप बताइए कि जब विधायक को थप्पड़ चला के लखीमपुर में मार रहे हैं सब दौड़ा करके, उनके साथ में क्या जान करके, बर्मा समझ के ना, हाँ। तो जो ये जो स्पेशल जो ठाकुर फोर्स चली है ना, ये बताइए क्या करा रहे हैं, दंगा ही करा रहे हैं और कुछ? तो बुलडोजर चला तो रहे हैं, अब 23 घरों में बुलडोजर चले। भैया सुना, बुलडोजर वही चले हैं जकरे खेती बेटी रहबे ना करेगा, तू कहाँ जानेगा दर्द सबका। जिसके पास खेती है बेटी नहीं है, जिसका घर है द्वार नहीं है, जिसका परिवार है नहीं है, तो उसका घर बुलडोजर का क्या माया मोहब्बत है? अरे बुलडोजर चलाना कोई हल नहीं होता है, ये समस्या का हल ये है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बुलडोजर चलाने से उनका घर बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहा है। एक आदमी गलत काम कर रहा है तो सब कुछ, गलत काम में कौन फंस रहा है? ये बीजेपी सरकार जितना उसकाती है हमारे लड़कों को, नौजवान बच्चों को नौकरी तो दे नहीं रहा है। जितना आप काहे भड़क रही हैं, बटोगे तो कट जाओगे आप भी, काहे बट रही हैं? कि हमारी बात सुनिए, उनको तो यही जलन हो गया है कि कैसे पीडीओ में एकता आ गई है, पीडीए वाले कैसे एकता बना लिए हैं, पीडीए को तो वहाँ पर कोई है ना। अरे पीडीए भाई, जितने भाजपा में जुड़े हो तुम भी बटोगे तो कटोगे, उसी में कटोगे, और छोड़ने वाले सब भाजपा वाले नहीं है, पीडीए वाले। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द है, वो दंगाई है। देखिए मुसलमान भाई हमारा ना दंगाई कर रहे हैं ना दहशतगर्द करते हैं, और हर जगह देखिए तो वहाँ पर जब भी पकड़े जा रहे हैं तो हिंदू भाई पकड़े जा रहे हैं। बताओ, जुलूस निकल रहा था उस पर पथराव करना जरूरी था, जुलूस निकल रहा था दुर्गा माँ का, वहाँ पर किसने पत्थर तो मारा, किसने पहले दिखाएंगे उसकी, किसने हिंदू ने मारा था या मुसलमान ने मारा था, पहले दिखाएं तो उस पत्थर को कि बस उन्होंने कह दिया कि पत्थर मारा, जलूस के ऊपर मारा, किसी ने तो देखा होगा वहाँ वीडियो, तो जलूस जा रहा, सभी लोग वीडियो बना रहे थे, तो फिर वो वीडियो क्यों नहीं लेके आते जिसने पत्थर मारा है? तो फिर उससे पूछा जाए भैया तुम हिंदू हो कि मुसलमान? बीजेपी सरकार सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है, सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है, वो हिंदू मुस्लिम का करने की कोशिश कर रही है जो उसके ख्वाब पूरे नहीं करोगे। जब करोगे तो जाहिर सी बात है बाबा का बुलडोजर चलेगा। काहे का बाबा का बुलडोजर चले, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि बुलडोजर ना चलाया जाए, उसके बाद भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसका मतलब ये सरकार डरी हुई है लोगों से कि लोग कहीं जो है बाहर ना निकल आए, लोग कहीं आके आंदोलन ना कर दे, इस वजह से इन्होंने बुलडोजर का दहशत बना रखा है, बना दिया। लेकिन आप सोचिए भाई, माँ दुर्गा का विसर्जन के लिए जा रहे थे, अब उसमें भक्ति भजन सब बज रहा है, उसको काहे रोकेंगे भाई इसी बुलडोजर से? तो नहीं, आप भजन बज रहा है,
कीर्तन बज रहा है, डीजे बजे, तो उसको उसको रोक देंगे आप? इससे पहले नहीं सुनिए, भजन और सुनिए, भजन और डीजे बजाने का भी कुछ टाइम होता है, अगर जा रहे हैं तो भजन में भजन सुनाओ ना, तो असली गाना सुनाओगे? नहीं नहीं, हम ही हिंदू है, मान लीजिए हम हिंदू है, हम तो हिंदू है यही है, हमारी बात सुनो, तो हमारे माता जी को जो 9 दिन पूजा होता है भाई, 9 दिन हुआ विसर्जन होता है, तो हम जा रहे हैं तो माता रानी के गाना लगा करके शांति पूर्वक विसर्जन करते जाएंगे भाई। जैसे माता बेटी की विदाई होती है घर में से, तो सबके घर में बताइए कि होता है ना, मातम जैसे छा जाता है ना, कि मान लीजिए हमारे घर में कोई आया था और हमारी बेटी की विदाई हो रही है, तो घर द्वार छोड़ कर जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो जैसे लग रहा है कि देवी जी का लेकर जा रहे हैं वहाँ विसर्जन करने, तो अश्लील अश्लील गाना गवा रहे हैं सब। ये कहाँ अश्लील गाना, अरे क्यों नहीं अश्लील अश्लील गाना गा, क्यों नहीं गाना गवा रहे थे सब डीजे में? अभी इतना अभी आ करके मुस्लिम बस्ती में जा करके इतना तेज हाई फाई पूरा बताए डीजे का कर दिए, और सबके घर में बहन है बेटी है, सबकी इज्जत बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हमारे लेते यही सब है। अरे वो तो विपक्ष पे आरोप लगा रहे थे कि ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है ये सब साथ दे रहे हैं। नहीं आ गया ना, वो आके बीजेपी का नेता बोला कि बीजेपी ने कराया, बीजेपी का विधायक ने बोला कि बीजेपी ने कराया, अब बताए कैसे का मान लेंगे आप? मानना पड़ेगा आपको। नहीं हम लोग नहीं मानने वाले हैं, अब वो कह देंगे कि हम ये चीज करेंगे, अरे बुलडोजर जहाँ जा। आपको मुसलमान से इतना प्यार का है, हम नहीं समझ पा रहे का है? भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई, एकता से हमारी जो बताइए कि आजादी मिले थी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कदम में कदम मिलाकर चले थे। करेंगे तो योगी वसूलेंगे पाई पाई, ये बताइए पाई पाई। नहीं 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 नहीं, अलग है या भगवान अलग है या जीजस अलग है या वाहेगुरु अलग है, बताइए? कहते हैं एक नाम को हमारे लोगों ने बांट दिया अलग अलग, कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम सिख हो, ऐसा कुछ नहीं, ऊपर तो नहीं बटा है। मैं हाथ काट रही हूँ, मैं हाथ काटू मुसलमान देखे खून दोनों को मिला एक है कि नहीं है, ये अलग अलग निकल के आ रहा था। अस्पतालों में जाकर के पूछे थे पूरे सर, महाराज जी योगी जी मान्य योगी जी, आप अस्पताल में जाके पूछे थे कि किसका ब्लड चढ़ रहा है, हिंदू को चढ़ रहा है कि मुस्लिम का चढ़ रहा है? अरे मान्य योगी जी रहने दीजिए, आप बताइए कि आप कहीं नहीं किसी लायक छूटेंगे? आप बताइए कि मुसलमान पे बुलडोजर क्या चल रहा है, आप क्या कर रही है ये? अरे नहीं नहीं, देखिए ये उनसे सरकार नहीं चलेगी, इसलिए उनके आगे पीछे कोई है नहीं, हम लोग महिलाएं, महिलाएं असुरक्षित है, महिलाओं के साथ जो गलत काम हो रहा है, चाहे महिला पुलिस हो, चाहे महिला अधिकारी हो, चाहे महिला कोई भी आम जनता, जब पुलिस चूड़ी काहे भेज रहे हैं आप, चूड़ी काहे भेज रहे हैं, सुनिए कार्रवाई हो जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। पहले सुरक्षा के लिए हमारा दावा ठोकते थे ना कि महिला सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है, कुछ भी नहीं है, महिला एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, और मान्य योगी जी चूड़ी पहन करके बैठ जाइए जाकर के, आप जो है महिला सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, महिलाओं का आप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि महिला तब के पास आई है ना, तो क्या कहते रात के 12 बजे निकली है गहना पहन के, कोई नहीं। अरे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी वो क्या बताएंगे, क्या करेंगे, अपनी महिला को बाहर निकाल के तो देखे कि कितनी सुरक्षित है, बताए कितना जो वो करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी का जन्मदिन, आपको शुभकामनाएं, आपको हार्दिक है। तो खैर हम समाजवादी कार्यालय के बाहर थे, आपकी क्या राय है बहराइच मुद्दे पर, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप 24 तक।